एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एम जी पैशन फॉर फूड. आई एम योर फ्रेंड जसप्रीत और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस यमी सी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ. रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ. और इस तरह की डिलीशियस रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो आइए देखते हैं इस डिलीशियस पुलाव को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसकी रेसिपी क्या है. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बासमती राइस 1 कप, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैंने 20 मिनट के लिए सोक करके रखा था. साथ में हमने लिए हैं कॉलीफ्लावर, कैरेट्स, अनियन, पटेटो, फ्रेंच बीन्स, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, जिंजर जूलियंस एंड गार्लिक, पिकल्ड ग्रीन चिलीज. यहाँ पे मैं पिकल्ड ग्रीन चिलीज यूज़ कर रही हूँ. पिकल्ड ग्रीन चिली कैसे बनाते हैं इसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और आप चाहें तो इसमें फ्रेश चिली भी यूज़ कर सकते हैं. ऑयल, देसी घी. मसालों में हमने लिया है बेलीफ, क्यूमिन सीड्स, मेस, जावित्री, मस्टर्ड सीड्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला एंड सिनेमन पाउडर. क्वांटिटी वाइज इंग्रेडिएंट लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. अब एक पैन में हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है. जब ये गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अपने खड़े मसाले बेलीफ, मेस, क्यूमिन सीड्स, अब ये क्रैकलिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो इसमें हम जिंजर जूलियंस और चॉप्ड गार्लिक डाल लेंगे और साथ में हम पिकल्ड ग्रीन चिलीज भी डाल देंगे. अब इसमें हम चॉप्ड अनियंस डालेंगे और उसे सोते कर लेंगे अच्छे से. आप चाहें तो तड़का भी माइक्रोवेव में तैयार कर सकते हैं, बट मैं जो तड़का है वो मैं तैयार करूंगी गैस के ऊपर और बाकी के राइस को कुक करूंगी मैं माइक्रोवेव में. अब इसमें हम कैरेट्स डाल देंगे. साथ ही में हम डाल देंगे फ्रेंच बीन्स. इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में हम डाल देंगे इसमें कॉलीफ्लावर. पटेटोस और इन वेजीज को हम अच्छे से 1 से 2 मिनट सौते कर लेंगे. इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना बिकॉज ये राइस के साथ बाकी ये कुक होंगे, तो इसीलिए बस 1 से 2 मिनट इन्हें हल्का सा सौते करना है. अब हम डालेंगे इसमें मसाले, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, सिनेमन पाउडर एंड सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. इसे अच्छे से मिक्स करके हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे. अब एक माइक्रोवेवेबल बॉल में हमने अपने राइस डाल लिए हैं और साथ में हम डालेंगे जो सोतेड वेजिटेबल्स थे मिक्स मसालों का तड़का हमारा सारा का सारा. अब इसमें हम पानी डाल देंगे 2 कटोरी. हमने 1 कटोरी चावल लिए हैं तो जिस कटोरी से भी आपने चावल लिए हो उसका डबल आप पानी डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. लास्टली हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी. इससे हमारे पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा. इसे अच्छे से एक बार ही हिला के मिक्स कर देंगे और इसे अब हम माइक्रोवेव में 15 मिनट के लिए माइक्रो मोड पे कुक करेंगे. अब इसे हम माइक्रोवेव में कुक करेंगे. राइस हमारे कुक हो चुके हैं अच्छे से. इसे इसी तरह 1 मिनट के लिए हम माइक्रो के अंदर ही पड़ा रहने देंगे. वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हो चुका है. इसे मैंने गार्निश किया है ग्रीन कोरिएंडर लीव्स के साथ. देखिए कितना बढ़िया लग रहा है. इसमें जो हमने देसी घी डाला है उससे इसके फ्लेवर में तो बहुत ही अच्छा एनहेंसमेंट हुआ ही है, साथ ही साथ उससे हमारे राइस में बहुत ही अच्छा एक ग्लेज आया है, शाइन आई है. इसे आप किसी भी तरह के रायते के साथ या प्लेन दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं. आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी. आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. मैं आपके पास लौटूंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ. टिल देन बाय बाय.